नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द प्लस पॉइंट में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ह्यूज मीशो हॉल, और ये किचन और किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का हॉल वीडियो है। तो फटाफट चलिए मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, और उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की ढेर सारे वीडियोज़ आपके साथ अब लगातार शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे प्रोडक्ट से। तो वो पहला प्रोडक्ट ये है, ये कोस्टर का सेट है, 6 का सेट था, जिसमें से कि 4 मेरे पास है, 2 इधर उधर कहीं है घर में ही। तो 4 में से मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ इस तरीके का शेप में है। कोई भी ग्लास होगा, बिल्कुल आराम से ग्लास और मग को ढकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्लास और मग के नीचे लगाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साइड में ये देख सकते हैं गोल्डन फिनिश के साथ है, कई बार धुल चुका है लेकिन गोल्डन इसका जो फिनिश है एज सच है। इसीलिए आप जैसा शाइनी मटेरियल ये दिखाया है उतना शाइनी नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कुछ रेजिन का इफ़ेक्ट इस पे है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट देखने में बहुत सुंदर है, आर्टिस्टिक लगेगा, आप अपने डाइनिंग टेबल बेडसाइड टेबल्स पे इसे बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए एक बिग थम्स अप है, आँख बंद करके आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये 3 बाउल्स का सेट है। रेड कलर मैंने इसमें सेलेक्ट किया था, आई थिंक इसमें और कलर्स अवेलेबल हैं। मैं इन बाउल के सेट्स को 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और इनमें से जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको कि मैंने यूज़ किए बगैर आपके साथ शेयर किया है। सारे प्रोडक्ट्स को मैं कम से कम 2 महीने यूज़ करने के बाद ही शेयर करती हूँ। तो ये रहा वो तीनों बाउल्स का सेट, आप देख सकते हैं, और तीनों के साथ ये लिड आती है, परफेक्ट लिड है। ठंडी में भी अगर आपको दही जमाना है तो बिल्कुल आराम से आप इस बाउल्स में दही जमा सकते हैं। बच्चों को गर्म खाना देना हो तो भी आप इसमें दे सकते हैं। चूंकि मैं प्लास्टिक अपने किचन से हटा रही हूँ, प्लास्टिक के बर्तन, मेलामाइन के बर्तन यूज़ नहीं करती, तो ज़्यादातर बाउल्स अब मैं स्टील वाले ही यूज़ करती हूँ। तो इस प्रोडक्ट के लिए भी एक बिग थम्स अप है, इसे भी आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं। तो जो तीसरा प्रोडक्ट अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये है सिरेमिक के बाउल्स। आप इसे सर्विंग बोल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज सच खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए भी अपने टेबल्स डाइनिंग टेबल्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये 3 का सेट है, जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है इस तरीके का, इसके अलावा बस इसके इस रिंग पर एक येलो लाइनिंग है, इसके अलावा कोई डिज़ाइन नहीं है। साइज़ में आपको दिखा देती हूँ, ये सबसे छोटा है जो कि हथेली से भी छोटा है, ये देख सकते हैं। सूप बोल की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बीच का साइज़ है जो कि ये हथेली जितना बड़ा है, तो आप इसे सैलड प्लाटर के लिए या डेजर्ट के लिए एज अ सर्विंग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हैवी है ये, तो ये सेरेमिक है इसलिए काफ़ी हैवी है, संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। फिनिश अच्छी है, आप पीछे से बिल्कुल प्लेन है, आगे से बिल्कुल शाइनी मटेरियल है, आप देख सकते हैं। तो ये इस सारी ही प्रोडक्ट्स का मैं प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्राइस साइड में मेंशन करती जाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का है। ये अराउंड 600 रुपए का था। इसके लिए भी मैं कहूंगी इसे अगर आपकी इच्छा है खरीदने की तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, A1 पैकेजिंग में आया था विदाउट एनी डैमेज। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो मैंने ये 3 जार्स का सेट लिया था। तो ये कांच के प्लस स्टील के जार हैं, इस तरीके के 3 साइजेस में ये 3 जार था। तो मैं आपको इसके साथ इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आपको दिखा, पहले एक जार में आपको दिखा देती हूँ। तो ये सबसे छोटा है जिसपे कि टी लिखा है, अभी इस वक्त इसमें मेरी शक्कर भरी हुई है। तो ये इस तरीके का लिड है जिसका बाहर का कोटिंग स्टील है, अंदर प्लास्टिक है, ओके। और आप इसके अंदर देख सकते हैं ये फुल्ली ग्लास है, बस शो के लिए बाहर यहाँ पे इतना एक स्टील का पैनल लगा है। सेम चीज़ तीनों ही जार में है। तो प्रॉब्लम क्या है इस जार की, मैं आपको बताऊं कि जब आप इसे धोएंगे तो स्टील और कांच के बीच में जो गैप्स है उनमें पानी भरेगा, और आप ये देखिए इस तरीके से जंग लगने लगेगा। और ये एक जगह नहीं है, आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए इसकी ढक्कन पे काफ़ी जगह इस तरीके से रस्टिंग हो चुकी है, ये देखिए। तो इस जार्स के साथ इनमें मैंने दाल भर के रखा है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बड़ा वाला में 1 किलो की पैकेट आप पूरी भर सकते हैं, आई थिंक छोटा वाला 700 ml के करीब है और बिल्कुल छोटा वाला 250 ml है। बट
प्रॉब्लम यही है कि आप इसके अंदर साइड में मुझे दिखाई देता है कि वो रस्टिंग शुरू हो गई है, जो पानी रह जाता है अंदर, तो उनमें ये रस्टिंग की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ग्लास जार लेने हैं तो आप पूरा ग्लास जार लीजिए या पूरा स्टील लीजिए, लेकिन ये जो अलग से एक रिम अटैच रहती है स्टील और ग्लास के बीच वाली, ये इस तरीके की ना लें, रस्टिंग की प्रॉब्लम उनमें आएगी ही आएगी। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे ब्रांड्स अगर होंगे तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन जो मैंने मीशो से मंगाया, मैं आपको प्रोडक्ट कोड दे दूँगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा, उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेटर उसे ना खरीदें। तो फिर मैंने एक और ग्लास जार मंगाया, ये आई थिंक ये 400 रुपीज़ के आसपास का था, देख सकते हैं ये दो का सेट है, कंप्लीट ये कांच का जार है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका ढक्कन जो है ये जार प्लास्टिक का है। एक जो मुझे सही नहीं लगा वो ये था कि ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो इस पे इतने सारे स्क्रैचेस पड़े हुए थे इसके ढक्कन पे, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं थी। काफ़ी हैवी, काफ़ी मोटा सा जार है ये, और तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम क्वांटिटी में चीज़ें इसमें आराम से आ जाएंगी, और नमक तो मैंने पूरा 1 kg का पैकेट इसमें बिल्कुल आराम से भर लिया था, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। 400 रुपए के हिसाब से देखने में भी ये सुंदर है, आपको शायद इमेज में ये बड़ा नहीं लगेगा बट ये है बड़ा, काफ़ी बड़ा जार है। तो ये जार के लिए मैं कहूँगी बिल्कुल थम्स अप है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। तो जो अगला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो घर घर में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, तो वो है एक चॉपिंग बोर्ड। तो मेरे सबसे पहले जो किचन में, जब मैं अपना किचन मैंने स्टार्ट कर रही थी तो मैंने प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया था, उसके बाद प्लास्टिक वाला ख़राब हुआ तो फिर मैंने लकड़ी वाला भी लिया, वो लकड़ी वाला टूट गया। उसके बाद मुझे लगा कि बार बार चॉपिंग बोर्ड्स खरीदने से अच्छा मैंने मीशो पर से फिर ये स्टील का चॉपिंग बोर्ड मंगाया, और जो भी ब्रांड वगैरह है वो मैं इसे मेंशन कर दूंगी। और चूंकि मैं इसे लगभग 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो आप इस पे देख सकते हैं कि मैंने कितना यूज़ किया है आगे पीछे दोनों, तो काफ़ी स्क्रैचेस इस पे आ गए हैं, लेकिन अगर आप इस पे अपने इस तरीके से फिंगर्स करेंगे तो कहीं भी गैप्स नहीं आए, गड्ढे अभी भी नहीं हुए, स्क्रैचेस तो हैं, तो आप चॉप करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रैच होगा। आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी पतला है, लेकिन जो वो लपकता है पतला होने पे, ये वो नहीं है, जैसे कि हमारे भगोने टोप होते हैं उस तरीके के मटेरियल का, एकदम सॉलिड स्टील मटेरियल का है कि ये बिल्कुल हिलेगा विलेगा नहीं। और आप देख सकते हैं एक साइड पे इस पे थोड़ा सा यहाँ पे एम्बॉसमेंट है, आप देख सकते हैं स्टील पे जो होती है ये एक कोने में ये, और यहाँ पे लिखा है 100% स्टेनलेस स्टील मेड इन इंडिया। तो ये मुझे अब तक का बेस्ट चॉपिंग बोर्ड लगा। अगर आप बजट फ्रेंडली चॉपिंग बोर्ड ढूंढ रहे हैं अपने किचन के लिए, और प्लास्टिक और वुड से बेटर है कि आप स्टील वाला ले लें, सालों साल चलेगा, मैं 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, कोई भी रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है। और बस एक प्रॉब्लम ये है कि इतना पतला होने की वजह से काउंटर टॉप पे ऐसा लगता है जैसे ये चिपक गया है, तो मुझे थोड़ा सा इसे खिसका करके तब उठाना पड़ता है। एक अगर ये ड्रॉबैक मैं छोड़ दूँ तो ये चॉपिंग बोर्ड को बिग थम्स अप है, इतने कम प्राइस में आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों को ख़रीद लेना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये भी एक स्टील प्रोडक्ट है, ये एक स्ट्रेनर है, स्टीमर कम स्ट्रेनर है आप जो कहें, तो ये इस तरीके का है। सब बात करते हैं सबसे नीचे वाले की, बहुत पतला स्टील है, बहुत पतला, मैं पहले ही बता दूं, ये इस तरीके से लबलब लबलब भी कर रहा है, इतना पतला है, बट स्टिल जलेगा वलेगा नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं गैस पे बड़े आराम से, तो आप इसे एज अ कुक एंड सर्व भी यूज़ कर सकते हैं ये लिड लगा करके। अराउंड 1.5 लीटर के करीब इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर 1.5 लीटर पानी बिल्कुल आराम से आ जाता है, और इसका लिड आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिश के साथ है इसका लिड। और ये है जो इसका ये स्ट्रेनर है, आप इसके ऊपर रख के इसमें मोमोज बना सकते हैं, कटोरियों में इडली बना सकते हैं, प्लेट्स में रख के ढोकला बना सकते हैं, वट एवर वेजिटेबल स्टीम करना है, बनाना स्टीम, कच्चा केला, वेजीज, कुछ भी, स्टीमिंग का पूरा काम बड़े आसानी से ये करता है। और मुझे ये यूज़ करते तकरीबन 1 साल हो गया, तो अभी तक कहीं रस्टिंग वगैरह नहीं है, ना कहीं से फटा है ना टूटा है, तो आई थिंक ये वर्थ इट प्रोडक्ट है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि बहुत हल्का है, अगर आप एक
ड्यूरेबल और बढ़िया ढूंढ रहे हैं तो बेटर आप और भारी और अच्छे वाले के लिए ही जाएं। लेकिन अगर कम बजट में कुछ आप बढ़िया ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा मीशो का किचन हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और कोई भी आपको प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।